छुट्टी लेकिन मेरे भी शादी होगी तो धड़ाके से होगी, तो कैसा एटमॉस्फेयर रहा और क्या कुछ कहना चाहेंगे इस अवसर पर? पहली बात तो माता का जागरण रख के सबसे अच्छा काम ये कर दिया, क्योंकि माँ के नाम से शुरुआत हुई है। मेरा ऐसा मानना है कि जो आदमी अपने काम की शुरुआत माँ के नाम से करता है वो बंदा एक दिन अपने काम का बाप बन जाता है। तो माता जी के, माता रानी की चौकी से, जागरण से, ये जगराता से ये कार्यक्रम शुरू हुआ है, मतलब शादी का प्रोग्राम शुरू हुआ है, तो मुझे लगता है कि माता रानी की कृपा हमेशा इन पर बनी रहेगी। और गुलाटी साहब, मैं तो उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, मेरे नज़र में दो ही फेमस गुलाटी है, एक डॉक्टर फेमस गुलाटी और दूसरा ये डॉक्टर वो मशहूर गुलाटी और ये फेमस गुलाटी वो मशहूर गुलाटी और ये फेमस गुलाटी। तो मुझे गुलाटी साहब के परिवार से हमारा पारिवारिक संबंध है। आज उनके बेटे की शादी हो रही है, यहाँ पर जगराता है, कल शादी है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये दोनों ही मेरे लिए स्पेशल मोमेंट है, स्पेशल महोत्सव है, और मैं इसमें दोनों में शामिल हो पा रहा हूँ, ये मेरा सौभाग्य है। और माता, आज उनकी वजह से माता का जागरण और माता की चौकी भी का दर्शन भी करने का मुझे सौभाग्य मिला, तो मैं पूरे गुलाटी परिवार को तहे दिल से शुभकामनाएं देता हूँ। और मैं समझता हूँ कि दिलीप जी, आप वाकई हम सब के लिए बड़े प्रेरणा स्रोत हैं, आपके बच्चों पर माता रानी की कृपा बनी रहेगी, आपका और माता रानी का आपका आशीर्वाद और माता रानी की कृपा हम पे बनी रहे। वानखेड़े साहब, और साथ ही अगर वर वधु को आशीर्वाद देना हो सुनील पाल के अंदाज में, किस प्रकार से होगा? हमारा नाम है रतन नोरा और वर वधु को आशीर्वाद दे रहा हूँ पूरा के पूरा, और माता रानी के कृपा के बिना संसार है अधूरा, और इसीलिए आप सबको शुभकामनाएं दे रहा सुनील पाल उर्फ रतन नूरा। आप खुश रहिए, आबाद रहिए, जियो हजारों साल, यही तहे दिल से दुआ दे रहा है सुनील पाल। नमस्कार आप सबको, आज दिलीप गुलाटी जी का बेटे का जागरण हो रहा है, उनका शादी है कल, मेरे तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं उनके बेटे को कि आगे जिंदगी, शादीशुदा जिंदगी बहुत ही खुशी मिले, बहुत शुभकामनाएं हैं, और हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें। सोशल मीडिया के अंदर में बहुत छाए हुए, कहाँ कहाँ वीडियो बनाती रहती है, उसमें फैन फॉलोइंग हो गए, कैसे करती है? सोशल मीडिया कौन सा? फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, ये हो गया, रोज़ वीडियो बनाते रहते हैं। आजकल ज़्यादा टिकटॉक आ रहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सोशल मीडिया में। एक्चुअली मैं काठमांडू में शूटिंग कर रही थी, वहाँ पे काफ़ी ठंडी थी और वहाँ पे लोकेशन बहुत अच्छा था, तो वीडियो बनाने में मज़ा आ रहा था। मैम आप क्या कहेंगी? हमारे साथ काफ़ी काम किया है उन्होंने, मेरी फिल्में भी उन्होंने डायरेक्ट की है, और हमारे साथ अच्छा संबंध है उनका, और जो भी काम करते हैं बहुत ही चाव से करते हैं, सिंसियरिटी से करते हैं। उनको अपने परिवार के लिए भी बहुत प्यार है, और बेटी की शादी में भी हम आए थे, शरीक हुए थे, तो बहुत अच्छी तरह से शादी हुई थी। आज भी माता जी की चौकी रखी है, और माता रानी के आशीर्वाद मिलेंगे, और हम चाहते हैं दूल्हा दुल्हन बहुत ही खुश रहें, एक दूसरे को समझ के प्यार से रहें, ऐसी हमारी शुभकामनाएं। नंबर वन डिस्ट्रीब्यूटर एंड वितरक काफ़ी जुड़े हुए हैं, टैलेंट है, क्या टैलेंट है, ओ हो हो हो, देखते रहता हूँ मैं, सॉलिड फॉलोअर हूँ। आपके सामने कोई टैलेंटेड नहीं सर, आप हमारे, हम सबके गुरु यही है। दिलीप गुलाटी एक ऐसी इंडस्ट्री है जिन्होंने ए क्लास की इंडस्ट्री को हमेशा चैलेंज दिया है, और कभी भी उनके सामने घुटने नहीं टेके, कभी कभी बड़ी बड़ी फिल्में ए क्लास के इंडस्ट्री ने इनकी फिल्में कॉपी की, इनकी फिल्म की कॉपी की, और दिलीप गुलाटी मतलब ये समझिए कि ए क्लास की इंडस्ट्री का दिलीप कुमार है, तो हमें प्राउड है कि हमारी छोटी इंडस्ट्री के सुपरस्टार दिलीप गुलाटी। हाँ दिलीप जी, ये भी जानना चाहेंगे आज बेटे की जागरण रखा हुआ है और इतने लोग यहाँ पे आशीर्वाद दे रहे हैं, खास करके जो यहाँ का क्लब भी है कार्यक्रम रखा गया उसके बारे में जानना चाहेंगे, और साथ ही सभी का शुभकामना। देखिए जी, सबसे पहले तो जय माता दी, क्योंकि माता जी का प्रोग्राम है, और मुझे बहुत खुशी है कि मेरे साथ मेरे जो लोग आए हुए हैं, सुनील पाल जी, सुशीला भाटिया जी, सागर जी, अपने मेरे हीरो जी सर जी, राज चौहान जी, और भी काफ़ी गेस्ट आए हुए हैं, तो वो एक बहुत बड़ी आयुष जडेजा जी, और बहुत मेरे लिए खुशी की बात है कि दे वो वक्त निकाल के आए, तो सबसे पहले तो मैं उनका शुक्रगुजार हूँ और उनका कर्जदार हूँ।
नंबर एक। नंबर दो ये है कि एक माता का माता की एक भावना है, एक अच्छी फीलिंग्स आ रही है, पॉजिटिव फीलिंग्स आ रही है। और जब भी मैंने एक देखा है कि जब भी माता की चौकी या कुछ इस तरह का प्रोग्राम होता है जब आप करते हैं तो उसके बाद ऐसा लगता है कि कल एक नया सवेरा आने वाला है। तो जितने लोग आए मेरे लिए मुझे लगता है कि उनकी ज़िंदगी में कल और एक बेहतर सवेरा आए। ऊर्जा मिलती है जागरण? हाँ मिलती है, बस बस एग्जैक्टली आपने सही शब्द इस्तेमाल किए कि एक ऊर्जा मिलती है। और क्या कुछ कार्यक्रम है इसके अलावा और कल क्या कार्यक्रम? कल सर मैंने अपना संगीत का प्रोग्राम रखा है और मैं सभी जो हमारे यहाँ मौजूद हैं उनको मैं दोबारा इनवाइट कर रहा हूँ। कल टाइम एंड अगेन में शाम को एक संगीत का एक नाच गाना और कॉकटेल्स वगैरह सब रखा है। तो मतलब कल माता का दिन, आज माता का दिन है, कल पिता का दिन है। कल पिता का दिन है, पिता का दिन है। तो कल वो रखा हुआ, कल खाना और कॉकटेल्स वगैरह रखा है, संगीत रखा है। और इतना टैलेंट है हमारे आसपास, ये देखो कितना टैलेंट खड़ा हुआ है। तो मैं चाहता हूँ कि कल वो अपना टैलेंट का थोड़ा सा लोगों को दिखाएं, मतलब लोग देखें और उनको खुशी होगी। और स्पेशली मेरे कार्यक्रम में आके करेंगे तो मुझे सबसे ज़्यादा खुशी होगी। तो मैं तहे दिल से उनको दोबारा इन्वाइट करता हूँ सबको। और परसों इस कॉन में रिसेप्शन है, मेरे बेटे का फेरे होंगे और अपना शादी का प्रोग्राम है। बस यही सारी चीज़ें। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले जय माता दी। और वैसे तो सारा एक्सप्लेन हो ही गया है। और दिलीप जी हमारे बॉस हैं, सुपर बॉस हैं। और सबसे पहला कैमरा फेस दिलीप जी ने किया, जैसे सुनील भाई बोल रहे थे कि इंडस्ट्री में मेरे ख्याल से कोई भी ऐसा आर्टिस्ट नहीं होगा जो आज इस्टेब्लिश्ड भी है जो दिलीप जी की पाठशाला से सीख के ना गया हो। और मैं हरियाणा से, मैं बताऊं बिल्कुल एकदम से रफ एंड टफ था, किसी तरह का कोई ऐसा सेंस नहीं, कोई वो नहीं। दिलीप जी ने इतना मतलब एक छोटे भाई की तरह से प्यार दिया। और आज फैमिली के कोई भी फंक्शन हो, कोई भी बड़ी फैमिली है दिलीप जी की, सबको कोऑर्डिनेट रखते हैं दिलीप जी और इतना मतलब सभी को प्यार देते हैं। और आप सारे मतलब, आप ये दिलीप जी कह रहे थे जैसे कि मैं सभी आए एहसान है, लेकिन एहसान नहीं दिलीप जी, हमारा सौभाग्य है आप जैसे बड़े भाई मिले हैं और इतना अच्छा फंक्शन कर रहे हैं। और लास्ट ये फैमिली का अभी भरत भाई का अभी आज माता की चौकी रखी है। और दिलीप जी के परिवार में कोई भी अगर कोई अच्छा काम होता है तो माता की चौकी से स्टार्ट करते हैं और इसमें बहुत पॉजिटिविटी आती है। और हमारे सारे ये बॉस की टीम है, बॉस ये तो प्रोग्राम है, कोई भी हमें आदेश देते हैं तो हम पूरा उसको अपना सौभाग्य समझते हैं। रोहित प्यारे जी भी आ गए हमारे बीच में, आयुष जडेजा जी और सागर पांडे जी, सभी ने साथ में काम किया है। और सर जय माता दी, मुझे बड़ी खुशी हुई है कि इतना अच्छा आयोजन यहाँ हुआ है। माता की चौकी के साथ ही एक कार्यक्रम का अगर आयोजन किया जाता है तो ये बड़े सौभाग्य की बात है। हमारे लिए बड़ा सौभाग्य है कि इस अवसर पर हमें बुलाया गया। हम गुलाटी जी को अपनी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं, उनके परिवार को शुभकामनाएं देते हैं और चाहते हैं कि इनकी तरक्की होते रहें और इस तरीके के आयोजन करते रहें। पांडे जी अभी अपने अंदाज में बताएंगे। सागर भाई जी, सर सबसे पहले मैं अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम सागर सलमान पांडे है और मुझे सागर पांडे मेरे घर वालों ने पैदा किया और मेरे गॉडफादर जो इंडस्ट्री के उन्होंने मुझे सलमान नाम दिया, मिस्टर दिलीप गुलाटी जिन्होंने मुझे सलमान से उपलब्धि दी और मैं सलमान से सागर सलमान पांडे बन गया। इंडस्ट्री में वो खुद ही अपने आप में एक इंडस्ट्री है तो उनके लिए मैं कुछ कहूँ वो बहुत कम पड़ जाता है। वो कहते हैं ना कि ऊपर वाले ने मेरा नाम भारत रखा, लेकिन भारत के कुछ आगे लगाना और भारत के कुछ पीछे लगाना भारत के सम्मान में कम पड़ जाता है। वैसे दिलीप गुलाटी के कुछ आगे लगाना और दिलीप गुलाटी के कुछ पीछे लगाना अपने आप में कम पड़ जाता है। मैं प्यार से बोलता हूँ, एक बार जोर से बोलो जय माता दी, जय माता। आज माता दी की चौकी थी, जय माता दी। और हमने तो कल भी धमाल किया तो आज सर हमारे गॉड फादर है जो कैमरा फेस कराने वाले हमको है। और आज जो गुजराती फिल्म में मैंने स्टार्ट की बिकॉज दिलीप सर की वजह से, और बहुत मज़ा आया माता दी की चौकी में। ऐसे भी माता दी का बहुत बड़ा भक्त हूँ मैं। थैंक यू सर। मैं
मैं सबसे पहले शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि दिलीप गुलाटी साहब को, कि उनके आज बेटे की शादी है और उसके लिए माता की चौकी रखी गई है, और जहां माता है वहां सब कुछ सबको आता है, इतना याद रखना। लाइव में राज साहब है, दिलीप साहब है, सुनील पाल जी है, मेरे बहुत बेहतरीन दोस्त हैं, और इतने कॉमेडी अंदाज में आज जो आप इंस्टाग्राम पे बड़े बड़े चीज छोड़ते रहते हो, आज दिलीप जी के परिवार के लिए, हम सब टीम के लिए कॉमेडी अंदाज में आप। सबसे बड़ी बात तो एक ही है कि जय माता दी, जय माता दी, जिसने जय माता की है उसका माधव हमेशा आशीर्वाद रहे, और ये संजीव कुमार तह दिल से वादा करता है कि माता का आशीर्वाद बना रहेगा उसका। बहुत खूबसूरत बात है कि शादी ब्याह और उसके पहले जागरण देवी का, जय दुर्गे जय माँ। तो गुलाटी परिवार हमारे परिवार के बहुत करीब है, बिंद्रा परिवार के हमारे, जब मेरे डैड भी जीवित थे तब से हम जब डैड को भी जानते हैं, तो ये प्यार मोहब्बत गुलाटी परिवार को भरत के शादी के लिए, और हमारी जो बहू आ रही है घर पर, बधाइयाँ हैं ढेर भक्ति की, और इसलिए हम आज दुर्गा माँ की भक्ति कर रहे हैं, और हम ये चाहते हैं कि दूल्हा दुल्हन हमेशा उनकी गोद हमेशा माँ के आशीर्वाद से भरी रहे। साथ ही बिग बॉस भी चल रहा है, अभी नहीं, बाद में बात करेंगे। प्रोड्यूसर दिलीप गुलाटी जी के बेटे का आज माता की चौकी रखा गया है, और कल उनका शादी है मुंबई में। आज हम लोग कंट्री क्लब में बहुत माता के एकदम खोए हुए हैं, डांस कर रहे हैं फिर मस्ती के साथ। दिलीप जी भी मैं देख रहा हूँ एक घंटे से एकदम पूरा मांग है, बॉलीवुड के कई सितारे डायरेक्टर प्रोड्यूसर आए हुए हैं इनको बधाई देने के लिए, और मैं भी आज पहुँचा हूँ। तो बहुत मुझे अच्छा लग रहा है कि ऐसे हमेशा जब भी इनके घर में कोई घरेलू फंक्शन होता है तो हम लोग जरूर पहुँचते हैं, और मैं दिलीप जी को बहुत बधाई दूंगा इस मौके पर, जिस तरह से इतने उम्र काट लिए और इससे ट्रिपल काटे, और हम लोग हर दिन कुछ नया नया फंक्शन बुलाते रहे। संजय जी, माता ने चाहा तो 2020 और हंगामे होंगे, बड़े हंगामे होंगे, और ये पूरी टीम जो हमारे साथ है सब साथ में होंगे। कोई राज खोलना चाहते हैं मीडिया के सामने 2020 के बाद वाला? बस 2020 में बॉब अभी इसको रोक के रखते हैं, आपके आप इनकी भी शादी हो रही है, वही तो इनकी शादी हो रही है, तो बस ये वहाँ से लौटेंगे तो फिर वापस अब हमसे दोबारा मिलेंगे बहुत जल्द, और फिर मैं भी कल मेहंदी में गया और आज माता की चौकी में पहुंचा हूं। कल मैं नहीं रहने वाला हूं क्योंकि मैं कल निकल रहा हूं पटना अपने फंक्शन की तैयारी में। और ये जाने वाले थे दो दिन पहले, लेकिन इनको मैंने ज़बरदस्ती रिक्वेस्ट करके फोर्स करके मैंने कहा कि प्लीज़ आप किसी तरह करें कि अपनी थोड़ा सा जाने का लेट करें, एंड आई एम वेरी थैंकफुल कि इन्होंने कॉपरेट किया मेरे साथ। थैंक यू सर। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप दिलीप गुलाटी जी के बेटे के वेडिंग सेरेमनी के अवसर पर, माता का चौकी रखा गया है कंट्री क्लब में है ये, आप यहाँ से आए हुए, क्या कुछ शुभकामनाएं देंगे गुलाटी फैमिली? थैंक यू सो मच बॉलीवुड की बातें और TV24, थैंक यू सो मच अखिलेश जी, थैंक यू सो मच हैदर जी को मेरा नमस्कार, एंड थैंक यू सो मच PRO संजय भूषण पटियाला को। और आज मैं आया हूँ यहाँ पर कंट्री क्लब में गुलाटी फैमिली को मैं शुभकामना देने के लिए, जो बहुत अच्छा माता की चौकी उन्होंने आयोजन किया है कंट्री क्लब में, मैं दिल से शुभकामना देना चाहता हूँ। और उसके साथ साथ माता की चौकी जो है ये बहुत ही बड़ा दिन होते हैं, क्योंकि उनकी चौकी में आने के लिए हम लोग बहुत सारे बोलते कभी कहाँ होगा, होते नहीं है मुंबई शहर में, लेकिन आज हुआ है तो मैं बहुत सौभाग्य प्राप्त कर रहा हूँ जो यहाँ पर मैं आया हूँ। एंड थैंक यू सो मच, जय माता दी, और सभी को ब्लेसिंग दे, मुंबई की हर जैसा मुंबई की माँ है मुंबई की माता, सभी को ब्लेसिंग दे, और हमारे जितने मीडिया वाले हैं उन सभी को ब्लेसिंग दे, सबको नया घर मिले नया साल में। थैंक यू सो मच। आप कुछ कहना चाहेंगे? थैंक यू सो मच गुलाटी फैमिली की, गुलाटी फैमिली जी ने इतनी अच्छी माता की चौकी जो अरेंज की है कंट्री क्लब में मुंबई में, बहुत अच्छी रही है, बहुत उम्दा तरीके से हुई है। थैंक यू सो मच, हर साल ऐसे ही ये दिन आए। जय माता दी। थैंक यू सो मच।